जना आप लोगों के सामने यासर रिव्यूज़ के साथ हाजिर हूँ और आई स्टार्ट होने वाला है और ज़्यादा पुरानी बात नहीं कुछ महीनों पहले ही आई पी ख़त्म हुआ था और उसके बाद फिर दोबारा एक आई और आई मीन एज अ क्रिकेट फैन तो सीरियसली इट्स ओवर वेलमिंग कि जितनी ज़्यादा क्रिकेट आपको देखने को मिल रही है स्पेशली आई पी एल जैसा टूर्नामेंट अगर आपको दो दो दफ़ा देखने को मिले विद इन सिक्स मंथ्स दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल अब आ जाते हैं न्यूज़ के ऊपर ऋषभ पंत जो कि दिल्ली कैपिटल्स के, के न्यू कैप्टन अनाउंस हुए हैं उनको कैप्टन बनाया गया बिकॉज श्रेयस अय्यर जो है वो इंजर्ड हो गए हैं आपने देखा होगा सेकेंड ओडीआई में आई थिंक शायद वो इंजर्ड हो गए थे एंड ही विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दी आई पी एल एट ऑल दिस टाइम अराउंड एंड ही विल बी आउट फॉर लाइक थ्री थ्री फोर मंथ्स बिकॉज उनकी शायद सर्जरी होगी अब टॉपिक है ऋषभ पंत जिनके बारे में हम नहीं पूरी दुनिया बात कर रही है और ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड और वो वो कारनामे अचीव करे जो जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था जो लोग अपनी अपनी कैरियर्स में नहीं कर पाते ऋषभ पंत ने वहाँ वो उन्होंने करके दिखाया है और एक एक ऐसा फिनमिना है जो कि अब उठ के खड़ा हो रहा है अगर अब आजकल इंडियन क्रिकेट की बात होती है तो सबसे पहले पंत का नाम आ रहा है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं जब आपकी क्रिकेट के अंदर इतने बड़े बड़े हैवी वेट्स मौजूद हों रोहित शर्मा विराट कोहली आई मीन के राहुल बुमरा शामी इतने बड़े बड़े जो है वो नाम जब हों उसके अंदर अगर एक एक बंदा सिंगल आउट करके कोई उसके ऊपर बाकायदा आर्टिकल्स लिखे उसके बारे में बात करे और दुनिया का हर आदमी बात करे जो क्रिकेट को फॉलो करता है तो ये इस बात की ज़मानत है कि उस बंदे में कुछ ना कुछ स्पेशल है और उसमें वो सिर्फ स्पेशल है नहीं वो दिखा भी रहा है दुनिया को कि देखो मैं कितना स्पेशल हूँ अब बहुत सारे लोग इस बात को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं यार कि पंथ को प्रेशर में डाल देंगे पंथ प्रेशर प्रेशर क्या होता है प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं है ऋषभ पंत के लिए प्रेशर उन पर आप जब डालते हैं जब आप उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं जो मुझे नज़र आया है पंत के अंदर जब पंत नए नए इंडियन टीम में आए थे तो उस वक्त उन्होंने आपको याद होगा इंग्लैंड में हंड्रेड बनाया था फिर उसके बाद उन्होंने सिडनी में शायद मैच हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने हंड्रेड बनाया था कुछ इनिंग्स के अंदर आपने देखा कि वो आउट हो जाते थे आई I मीन mean, जैसे इंडिया की टीम फंसी हुई है अब दस रन बनाया और उन्होंने आगे निकल के मारा और आउट हो गए और जिसके बाद उनके बारे में ये ओपिनियन बनाया गया कि यार देखो ये जो लड़का है ना ये है तो बड़ा टैलेंटेड लेकिन ये यहाँ से खाली है और इसको ना समझ नहीं है गेम की और अभी इसको पकना पड़ेगा तो फिर उसके बाद जाकर ऋषभ पंत ने काम करा अपने गेम पर और लोगों ने साथ साथ ये भी कहा कि इसको अपना गेम बदलना पड़ेगा उसको बहुत सोच समझ के खेलना पड़ेगा ऋषभ पंत गए वापस अपना आई पी एल बड़ा अच्छा रहा उनका और उन्होंने जाके क्या किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने अपने गेम को नहीं बदला उन्होंने और इसका क्रेडिट बाद में उनकी टीम मैनेजमेंट मेंगेंग, मैनेजमेंट को भी जाता है कि उन्होंने कभी भी उनको अपना गेम बदलने के लिए नहीं कहा वो गए और उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा उन्होंने ये कहा कि यार मैं गेम तो अपना नहीं बदलूंगा लेकिन अपनी टाइमिंग ज़रूर बदलूंगा इसका मतलब ये नहीं कि अगर दस रन चार चालीस रन पर चार आउट हो गए तो मैं जब तक के डेढ़ स्कोर नहीं होता तो मैं सिंगल करूँगा मैं ऐसे नहीं खेलूंगा लेकिन मैं बाउंड्री वहाँ मारूंगा जहां बनती होगी अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट इन द सेंस जब करूंगा कि जहां मुझे हंड्रेड परसेंट श्योरिटी होगी मैं वहां पर बाउंड्री मारूंगा तो फिर आपने देखा कि ऋषभ पंत के जो फेलियर्स का जो जो परसेंटेज था वो गिरता चला गया और फिर आपने ऑस्ट्रेलिया में वो गैबा वाली टेस्ट मैच में इनिंग्स और उससे पहले फिर वो जो उन्होंने सेवेंटी नाइन बनाया था थर्ड टेस्ट में फिर आप इंग्लैंड में के खिलाफ फोर्थ टेस्ट मैच में जो इनिंग्स उन्होंने खेली और फिर इस तरह की बेताशा उन्होंने इनिंग्स खेली तो ऋषभ पंत के बारे में अगर कोई ये ओपिनियन लगा रहा है कि यार ये प्रेशर लेगा तो वो प्रेशर नहीं लेते उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो आ, अपने गेम पर बिलीव रखते हैं और उन्होंने वो तो कहते हैं ना थोड़ी बहुत उनके अंदर वो स्किल भी आ गई है कि उन्होंने कब क्या करना है और ज़ाहिर दिस विल इम्प्रूव विद टाइम और इन माय ओपिनियन दिस न्यू लीडरशिप जो उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है दिल्ली कैपिटल्स की एंड आई आई रेड अ लिटिल बिट अबाउट ऋषभ पंत ही हैज़ डन डोमेस्टिक क्रिकेट कैप्टनसी ऑल्सो फॉर दिल्ली तो ऐसा नहीं है कि वो कोई पहली दफ़ा उनके हाथ में कप्तानी पकड़ा दी गई है ही हैज़ बीन द कैप्टन ऑफ द रीजनल डोमेस्टिक क्रिकेट टीम का जो फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट होता है उसकी कप्तानी करते रहे हैं तो ऑब्वियसली ही नोज आउट टू कैप्टन और आई के अंदर आ, उनको जो इतना बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर मुझे लगता है ही विल बी सक्सेसफुल हाँ तो हो सकता है कि दिल्ली मैच जीते हारे एक अलग बात होती है जाहिर है वो भी कप्तान को टेस्ट करने का होता है लेकिन एटलीस्ट आपको एग्रेसिव कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे ऋषभ पंत और यू नेवर नो कि वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हों और आने वाले वक्तों में इन माय पर्सनल ओपिनियन आई थिंक ऋषभ पंत अगर कप्तानी करना ठीक लें तो आई थिंक उनसे बेहतर चॉइस इंडिया के पास नहीं होगी क्योंकि एक वो खिलाड़ी वाहिद है जिसका आपको अगला पंद्रह साल का फ्यूचर क्लियरली नजर आ रहा है विदाउट अ डाउट कि वो तो कहीं नहीं जा रहा तो जाहिर सी बात है कि इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर ऋषभ पंत पर करना चाहेगा तो ज़बरदस्त एडिशन है ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की टीम लास्ट टूर्नामेंट में में पहुंची थी मुंबई इंडियंस ने उनको वन साइडेड हरा दिया था जाहिर तो है उनकी टीम तो बहुत अच्छी है और ऋषभ पंत के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कोशिश करूंगा मैं कि वन बाय वन सारी आई की टीम के ऊपर बात करूं और आपके साथ जो है वो शामिल हूं इस आई पी एल को एंजॉय करें साथ में आपके साथ दोबारा मुलाकात दो होगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अल्लाफ़